महाकाल ने आपकी सुन ली ना, है ना, ठीक हो गए आप महाकाल की नगरी में आके, उन्हीं की कृपा से। मेरा जो दर्द था, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि उस दर्द को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, सांस लो। YouTube, Facebook वगैरह के वीडियो आपके बहुत देखता था। सांस लो, छोड़ दो। तो हमारे जो वाइफ हैं, उन्होंने बोला कि जब आप देख ही रहे हो सर को सुबह शाम, आप यही वीडियो खोजते रहते हो, तो आप जाइए और भेंट कीजिए। अच्छा। छोड़। आज आपकी कौन सी सिटिंग है? मेरी 11वीं सिटिंग है। 11वीं सिटिंग है, हो गए सही? जी सर, बिल्कुल। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, गुड, छोड़ो। लूज लूज लूज। छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बस बचा है दर्द। नहीं है, अच्छे से ढूंढ लो। नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल फ्री, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। नाइस, और थोड़ा वॉक करके देख लो, चलने फिरने में थोड़ा सारा था L4 L5 वाले रीजन पे, अभी एकदम बढ़िया। हाँ सर, कोई कष्ट नहीं है। जी सर। कितने समय से लग रहा था दर्द अपने को? सर मैं 5 महीने से परेशान था, L4 L5 बहुत ज्यादा पेन था, खड़ा रहना, बैठना, और मौसम के हिसाब से भी बहुत पेन था। अच्छा जी सर। तो ये 4-5 महीनों में आपने क्या क्या कराया? मैं सर 2 महीने से कंटिन्यू 3-4 सेंटर पे फिजियोथेरेपी करा चुका हूँ, और इधर उधर का जो सारा ट्रीटमेंट था, देसी जो भी मुझे मेरे दोस्तों ने एडवाइजर दिया, उसके लिए मैं इधर उधर घूमा, फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला और मैं यहाँ आया हूँ। मेरी आज 11 सेटिंग कम्प्लीट है, और मतलब मेरा जो दर्द था, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि उस दर्द को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा। दर्द को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, काफी रिलीफ है, और यहाँ का जो स्टाफ है हर हेल्प में मतलब संतुष्टजनक जवाब देते हैं, संतुष्टजनक हेल्प करते हैं, और समय का भी ध्यान रखते हैं, बाकी जो भी पेशेंट है पेशेंट के हिसाब से भी जो हेल्प करते हैं, लेडीजों के हिसाब से या वृद्ध हैं या कोई भी एज के हिसाब से जो भी आते हैं, उनका मतलब उसके हिसाब से पूरा भरपूर सहयोग देते हैं। इतने रश में भी वो सारा चीज़ रस्क में? हाँ, रस्क में भी सर हैं, और किसी का कुछ रहेगा कि किसी को जल्दी है या किसी का कोई रियली प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो इंदौर में आपने 2-3 महीने फिजियोथेरेपी कराया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब कुछ कराया, फिर भी आपका दर्द जा नहीं रहा था? जा नहीं रहा था। मैं न्यूरोसर्जन सर को भी मतलब 3-4 हॉस्पिटल में दिखा चुका था सर, दवाई वगैरह और एक्सरसाइज के अलावा कुछ। तो आपको वहाँ क्या सजेशंस दिए गए थे? सिचुएशन यही दिया था सर, फिजियोथेरेपिस्ट, और मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था, मैंने जब बात की सर मुझे दवाई से रिलैक्स नहीं, उन्होंने यही बोला कि फिजियोथेरेपी चेंज करो, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, फिर मैं अंत में मुझे यहीं आना पड़ा, कि मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक मांडलिया सर ने बोला था कि अगर फिजियोथेरेपी सेंटर आपको बेस्ट मिल जाएगा तो आप बिल्कुल मतलब 10 दिन में ठीक हो जाओगे, और उन्होंने यही गाइडलाइन किया था कि मैं 10 दिन 10% हम आपको गाइडलाइन करेंगे, बाकी आप बोल रहे हो कि मैं 5 महीने से परेशान हूँ, तो 95% मानो कि आप फिजियोथेरेपी पर जाकर ही ठीक होंगे। तो फिर पर सही फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं मिल रहा था? बिल्कुल सही नहीं, मैं भटक रहा था। यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ मेरे रिलेटिव काफी 1.5 साल पहले आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, और उसके बाद मैं YouTube, Facebook वगैरह के वीडियो आपके बहुत देखता था। तो हमारे जो वाइफ हैं, उन्होंने बोला कि जब आप देख ही रहे हो सर को सुबह शाम, आप यही वीडियो खोजते रहते हो, तो आप जाइए और भेंट कीजिए। काम दो क्या करते हो? मैं CISF से हूँ सर, एयरपोर्ट पे पोस्टिंग हूँ, इंदौर एयरपोर्ट पे पोस्टेड, और यहाँ मैं आया हूँ तो वाइफ का सपोर्ट रहा, छोटे बच्चे हैं, छोड़ना मुश्किल था, लेकिन बोला कि नहीं आप जाइए, 5 महीने से परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा जो भाई है, उसने मेरी वाइफ से बात की कि भाभी जी आप भेजिए, भैया को भेजिए, यहाँ वो आएंगे तो एक दिन में संतुष्ट होकर आपको जवाब देंगे। और आज भी मेरी घर पे बात हुई है तो बोला आप 2 दिन की जगह 4 दिन लेट आना, लेकिन यहाँ हम ठीक है, आप पूरे मतलब कंप्लीट हो गए। आज आपकी कौन सी सिटिंग है? मेरी 11वीं सिटिंग। 11वीं सिटिंग है, हो गए सही? जी सर, बिल्कुल। 6 महीने पुराना दर्द आपका, जो मान लिया सर ने बोला था सही सेंटर ढूंढ लो बस। बिल्कुल, तो अच्छी बात है सर।
आप बोल रहे थे कि दर्द की वजह से आप डिप्रेशन तक में चले गए। मैं डिप्रेशन में था सर, मुझे घर वालों ने, मेरे रिलेटिव ने आके मुझे बोला कि नहीं समस्या है चलती रहती है, लेकिन यही है कि आप सही जगह और सही चुनाव अगर करोगे, क्योंकि बीमारी का वही है, अगर सही ट्रीटमेंट और सही जगह आप चले गए तो फिर आपका डिप्रेशन एक दिन में आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि नहीं अब मैं सही जगह आ गया हूँ। जब पहले दिन आप आए तो यकीन हो गया था यहाँ ठीक हो जाओगे? जी सर। हाँ, मैं बाबा महाकाल की कृपा से और सर बड़ी मन्नत लेके आपके पास महाकाल ने आपकी सुन ली ना सर, है ना, ठीक हो गए आप महाकाल की नगरी में आके, उन्हीं की कृपा से। अब ऐसे ही स्वस्थ रहिए और देश सेवा करिए। जी सर। देखिए आर्म्ड फोर्सेस के जितने लोग हैं पूरे दिन देश सेवा में लगे रहते हैं, तो अगर शरीर में कष्ट है तो आप कैसे देश सेवा करेंगे? बिल्कुल सर। तो कष्ट नहीं होना, या तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, जैसे जो फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक है इससे ठीक हो जाइए, नहीं तो सर्जरी करा के ठीक हो जाइए, पर सही रहिए, दर्द रहित जीवन जीना है। जी सर। तभी अपन अपनी ड्यूटी कर पाएंगे, तभी अपन देश को सर्व कर पाएंगे। जी सर। नहीं तो दर्द में क्या होता है कि आपका दिमाग ही नहीं लगेगा, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपनी ड्यूटी, नहीं दे पाएंगे। और आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप हैं तो आपको अपना 100% देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज है, वो अलग ही कर्तव्य है। कभी कभी अकेले को भी ड्यूटी पोस्ट पे डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो डिसीजन अपना कैसा रहेगा क्या रहेगा इसका स्टेटमेंट ऊपर तक जाता है, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ माइंडली आप फ्रेश थे तो आपने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका एक क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको अगर डिसीजन लेना है और आपका दिमाग ही स्टेबल नहीं है तो आप कैसे करेंगे? जी जी सर। तो इसके लिए आपको शरीर से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी, माइंडली प्रेजेंट वहीं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बाकी कोई मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं दर्द से परेशान हूँ या मेरा ये प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए अच्छा है हम आपकी सेवा हम कर पाए, और महाकाल की कृपा से आप स्वस्थ होके घर जा रहे हैं, ऐसे ही आप सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश सेवा करते रहिए। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय।